अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेला। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है आधा किलो, दो टमाटर बारीक कटे हुए, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच आमचूर पाउडर, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, दो चम्मच कुटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक मुट्ठी धनिया, धनिया पत्ती, दो प्याज बारीक कटी हुई। और ये मैंने करेला लिए हैं आधा किलो और इनको मैंने छील कर और अंदर से बीज निकाल कर इनको मैंने रख दिया आधे घंटे के लिए नमक लगा कर। और ये मैंने छिलके भी रख लिए हैं, इनको भी मैंने इसी तरह से, और फिर इनको मैंने धो लिए दो तीन बार साफ पानी से, फिर इनको मैंने पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए सुखा लिया। और अब रखते हैं हम कढ़ाई में तेल। ये मैंने 100 ग्राम तेल डाला है। और जब तक हमारा वो कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है तो इसमें दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर ये जो छिलके हैं इनको अच्छे से भून लेंगे। अब तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें डाल दूंगी प्याज और प्याजों को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। ये देखिए ये हमारे करेले के छिलके भुन चुके हैं, अब इसको गैस बंद कर देना है। और अब ये हमारे प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं, ये हल्के गुलाबी हो चुकी हैं। अब इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डाल दूंगी मैं कीमा और अब इसको दबा दबा कर अच्छे से इसको भूनना है। इसमें दो तीन मिनट लग जाएंगी। तो ये अब हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है, ये मैंने 3 से 4 मिनट भूना है। अब इसमें डाल देना है सारे मसाले और अब इनको अच्छे से भून लेंगे। अभी डाल दिए मैंने टमाटर और अब इसको अच्छे से चला लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्च और हरा धनिया, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने जो छिलका करेले के छिलका भुने हुए वो भी मैंने इसमें डाल दिए, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब इसको भर लेंगे करेले के अंदर और जितने करेले में आए मसाला उतना ही भरना है। तो ये मैंने 1.5 चम्मच मसाला ले आया है और इसको अच्छे से दबा दबा कर इसमें भर लेंगे और फिर इसको धागे से बांध देंगे ताकि मसाला निकले नहीं।
और इसी तरह से मैं सारे करेले भर लूँगी। ये मैंने सारे करेले तैयार कर लिए हैं और ये हमारा मसाला भी इसमें से बच चुका है। अब इसको मैं कढ़ाई में थोड़ा सा लूँगी तेल और इसको गर्म कर लेंगे। अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें अच्छे से करेले लगाने हैं। अब इनको पलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से इनको मैं सेक लूंगी। अब ये मैंने सारे करेला अच्छे से पलट पलट कर ये आधे ये पक चुके हैं। अब इसके ऊपर डाल दूंगी मैं बचा हुआ मसाला और इसमें थोड़ी सी पानी की छींटे डालकर इसको रख दूंगी दम पर 6 से 7 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, अब इसको ढककर रख दूंगी 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये हमारे करेले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से गल जाएंगे अंदर से। 6 से 7 मिनट मैंने ये पका लिए। ये देखिए ये करेला हमारे एकदम तैयार हैं और अब अच्छे से ये गल भी चुके हैं। कीमा करेला तैयार हैं बनकर, ये देखिए अच्छे से गल भी चुके हैं।